ਯਾਰੀ ਕਿਦਾਂ ਕੈਂਠ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸੋ ਯਾਰ ਕੈਂਠ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੁਝਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟਸ ਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੇਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਗਈ ਅਬ ਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਆਪਕਾ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਸੇ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹਾ ਥਾ ਫੋਰ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨਸ कुछ काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कुछ अनोखा करने जा रहा हूँ। तुम्हारा भाई अपना कैफे कर रहा है, फूड कैफे। सर मैं उसका भी जरूर एक व्लॉग डालूंगा, आप लोगों को जरूर रूबरू कराऊंगा अपने कैफे के साथ। नाम भी जल्दी रिवील करूंगा, नाम भी थोड़ा स्पेशल है। सर अभी मैं भी इसको बड़े टाइम के बाद आज टाइम दिया, हम अभी खेले। सो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग की इंट्रो वो खेलने के साथ ही हो जाए, थोड़ा स्लो मोशन एडिटिंग ये सब हो जाए, है ना। सो प्यारा लगता है ना, ये देखो यार कैसे थक गया है, ये मतलब है ना ये थक गया। कर दो मुझे पता है मेरी ऑडियंस इतनी ज्यादा नहीं है, बट जितने भी है कमेंट सेक्शन में उन्होंने लिख रखा है कि आप अपनी जफर की डाइट बताओ, जफर क्या खाता है, जफर को क्या देते हो, जफर कौन सी लाइन का है, और इवन के एक आया हुआ है इज जफर अ फीमेल। अरे भाई ये फीमेल कहाँ से लगता है, ओए फीमेल है तू है? फीमेल है भाई, जफर मेरा मेल है। इसकी लाइन बताऊंगा, लाइनेज बताऊंगा, सब बताऊंगा, इसकी डाइट बताऊंगा, इसकी ट्रीट्स तक दिखाऊंगा तुम लोगों को आज मैं, क्योंकि तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन में पहली बार कोई चीज़ मुझसे मांगी है बींग अ बिगनर यूट्यूबर। सो मेरे कमेंट सेक्शन में जो चीज़ आई है मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगा कि यार वैसे भी टाइम नहीं लग रहा कहीं आने जाने का, सो क्यों ना इस व्लॉग को घर पे बैठे बैठे फटाफट बना दूं और इसकी तुम्हें मैं डाइट दिखाऊं, और आगे इसके पपीज होते हैं तो उनको भी मैं क्या डाइट देता हूं वो बताऊं। सो मुझे पता है यार कहीं ना कहीं मेरे व्लॉग स्लो हो गए हैं, 15-20 दिन के बाद ये व्लॉग आएगा। सो मैंने आपको बताया यार क्या रीज़न है उसका आने का। सो फिलहाल ये टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोगों को मैं इसकी भाई साहब की डाइट दिखाता हूँ, प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ, इसकी लाइनेज बताता हूँ, सब बताता हूँ। इतना भी बताऊंगा कि इसका मैं फीड बाउल कैसे तैयार करता हूँ, जफर वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, सब बताया जाएगा क्योंकि आप लोगों ने डिमांड किया है। आप लोग जो चाहो यार वो तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। सो चलो चलते हैं, मैं आपको इसका जाके प्रोडक्ट्स, फीड बाउल, शैम्पू से लेके सब कुछ दिखाता हूँ, इसकी मेडिसिन टॉनिक्स तक। सो लेट्स गो गाइस। सो यार आप लोग देख रहे होंगे कि कपड़े बदल गए मेरे, है ना। सो यार ये क्लिप अगले दिन शूट हो रही है, देखो बड़ा रियल रखता हूँ मैं व्लॉग को अपने, टाइम नहीं लगा था तो मैं वहीं से बंद कर दिया था, अगले दिन शूट कर रहा हूँ। और मैंने सारा सामान यहाँ पे अच्छे वे में समराइज करके रख रखा है, और बाउल पड़ा है जफर का, भाई मैं इसको कैसे फीड बना के दूंगा वो भी दिखाता हूँ। और फिलहाल जफर और हैरी भी बैठे हैं। जफर कहाँ पे है, ये ले, ये देखो दिखाता हूँ आपको, आ जाए, ये ले, आ जाए, देखो। सो यार ये जफर की ट्रीट्स है, जिसकी जफर भी वेट कर रहा है और हैरी भी वेट कर रहा है, इधर हैरी भी वेट में है, भाई यहाँ पे क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या यूज करता हूँ, कैसे है, क्या है। ये है पेडिग्री प्रो पप्पी लार्ज ब्रीड। मैं पेडिग्री या रॉयल कैनन यूज करता हूँ, मैंने आज तक कभी ड्रूल्स या कोई और फीड नहीं यूज करी, मेरी अपनी चॉइस थी। रॉयल कैनन और पेडिग्री में मैं शिफ्ट करता रहता हूँ एज पर माई बजट, बिकॉज रॉयल कैनन 7-8 हज़ार की हो जाती है, 12 किलो की, तो कभी कभार बजट नहीं होता लेने का। सो मैं ये लेता हूँ पेडिग्री की पप्पी लार्ज ब्रीड सिर्फ, और अगर मैं रॉयल कैनन में लेता हूँ तो भी मैं पप्पी वाली लेता हूँ सेंट बर्नार्ड की। Yes, ये मेरा है, मेरे एक वो है माइंड में कि भाई मेरे को सेंट बर्नार्ड वाली देनी है लैब को, तो मैं उसकी वो लेता हूँ। सो मैं आपको पहले बता दूं कि जफर इस टाइम प्योर वेजिटेरियन है, बट एक टाइम था कि मैं जफर को महीने, हफ्ते के अंदर, सॉरी 2-3 दिन चिकन डालता था किलो किलो का। बट वो क्या होता था कि हम लोग, हमारे घर में सब वेजिटेरियन है, हमारे घर में इवन एग भी यूज नहीं होता। सो आई वॉज लाइक जाके लेकर आना और बाउल में डाल देना सीधा, ठीक है। सो बना बड़ा मिलता था। सो वन डे क्या हुआ कि वहां पे चिकन खत्म हो रहा था, उन्होंने मेरे सामने जब काटा तो पता नहीं क्या हुआ, क्या दिल को थोड़ा अजीब लगा। वो दिन था और आज का दिन था, 2 से 1.5-2 साल हो गया है जफर ने चिकन नहीं खाया। हाँ बॉयल्ड एग्स मैं बाहर से लेकर आता हूँ और जफर को भी देता हूँ और हैरी को भी देता हूँ मैं अपने, और इनके बाउल में भी डलते हैं, बट जफर को चिकन खाए बहुत टाइम हो गया। हाँ कभी कभी टेस्ट के लिए मैं इसको पेडिग्री की ये दे देता हूँ, जो ये है चिकन जर्की फ्लेवर की चंक्स हैं, ये दे देता हूँ कभी कभी टेस्ट के लिए, बिकॉज यार हम लोग भी अपना इतना टेस्ट चेंज करते हैं खाने में, तो इनके लिए भी बनता है। तो मैं सेकंड मेरे पास है यहाँ पे ये मीट जर्की स्टिक्स है, जो जफर को मैं देता हूँ उसकी ट्रीट के तौर पे खेलते हुए, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो
जैसे मैंने ये ली थोड़ी सी जफर, ये ले, ये जफर इसका बहुत तगड़ा फैन है, देखना जफर खा जाता है बिल्कुल। अब देखो उसको हो रहा है कि मुझे नहीं दिया ये, अब इसको भी देना पड़ेगा। हैरी ये ले, लो भाई साहब दोनों को मिल गई, बैठ जा भाई बैठ जा। सो पता क्या, ये इसकी मैं फीड बाउल में डालता हूँ मोस्टली, मैं तब इसको यूज करता हूँ जब जफर बीमार होता है, फीवर हो रहा होता है और यह खाना नहीं खा रहा था, तो ऊपर डाल देता हूँ। इसके बाद मेरे पास पड़ा है लीवर टास्क के नाम से लीवर का सिरप, जो इंटास कंपनी का है और इंटास की सारी मेडिसिन बहुत बड़ी होती है। ये लीवर टॉनिक है जिससे डॉग का लीवर सही रहता है और डॉग की भूख बढ़ती है। ओके इधर मेरे पास ये थोड़ी गंदी हो रही है बॉटल बिकॉज ये उधर पड़ी थी नीचे। सो इधर मेरे पास है ये न्यूट्री कोट जो कि है फिलहाल पेट केयर कंपनी का। ये होता है डॉग की कोट को शाइनी बना के रखने के लिए, उसके सारे के सारी जो हम लोग अपने में खाते हैं ना, जैसे फिश ऑयल लेते हैं, फ्लैक्सीड ऑयल लेते हैं हेल्दी फैट्स के लिए, सो ये भी उन्हीं में से एक है न्यूट्री कोट। ये मैं सुबह शाम इसके बाउल के ऊपर जरूर डालता हूँ जिससे मेरा जफर चमकता रहता है। ये देखो ये देखो खेलने के मूड में है पूरा। हाँ जी, तो ये मेरे पास एक पड़ा है यहाँ पे फिलहाल इंटासेल पेट, ठीक है ये भी इंटास की है, मैं इंटास की ही सारी यूज करता हूँ या पेट केयर की। सो ये है पर्टिकुलरली कैल्शियम, जैसे कि हमें पता है कि यार हमारा डॉग इधर मॉडर्न सोसाइटी में रह रहा है, हमारे साथ फर्श पे रह रहा है, तो इसका वेट भी ओवर होता है थोड़ा। सो इसके पैर ना खराब हो इसलिए मैं इसको कैल्शियम रेगुलरली फीड करता रहता हूँ। अब जैसे बड़ा हो गया तो मैं एक दिन छोड़ के इसको कैल्शियम डालता हूँ 5 से 10 ml एवरेज ढक्कन के हिसाब से। और लास्ट बॉटल है मेरे पास जिप विट के नाम से। सो ये भी इंटास की रख रखी है मैंने, ये मल्टीविटामिन है डॉग की, जैसे हम लोगों को मल्टीविटामिन जरूरी होते हैं सो वैसे इनको भी जरूरी होते हैं। सो ये भी मैं एक दिन छोड़ के डालता हूँ, मैं कैल्शियम लीवर टॉनिक और मल्टीविटामिन एक एक दिन का ब्रेक देके या दो दो दिन का ब्रेक देके डालता हूँ, मैं रेगुलर नहीं डालता, कोई भी टॉनिक रेगुलर नहीं हेल्दी होता, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वही वाली बात है। सो इधर है मेरे पास यार, ये मैं भी पहले अभी लाया हूँ फर्स्ट टाइम, वरना मैं स्टिक्स यूज करता हूँ हार्ड स्टिक्स जो चबाने में होती हैं। इधर मेरे पास पड़ी है ड्रूल्स की कैल्शियम मिल्क बॉल, ये मैं लाया था इन दोनों के लिए भी, चलो खेलते हुए ऐसे ऐसे पिक करवा के खिला देते हैं हम, अब जैसे वो वेट कर रहा है देखो। सो ये इनको मैं इनके खेल के टाइम देता हूँ बॉन्स, और वैसे मैं इन दोनों को इनकी कैल्शियम बॉन्स दे के रखता हूँ जिससे चबा पाते हैं। सो अब थोड़ी मेडिसिन साइड अगर आए तो मेरे पास यहाँ पे ट्रॉपिकाना स्प्रे पड़ा है टिप टॉप स्प्रे के नाम से, या जब भी इनको कोई जख्म होता है कुछ होता है सो सबसे पहले मैं ये स्प्रे यूज करता हूँ, उसके बाद मैं डॉक्टर पे लेके जाता हूँ कोई ने रैशेज हो गए हैं जख्म हो गए हैं। सो ये बेसिकली बना होता है कई सारे ऑयल से, हल्दी से, जो इनको वाउंड्स हो जाते हैं, मैगनीज हो जाते हैं, ये उसके ऊपर डालो तो बिल्कुल सही हो जाता है। और एक मेरे पास हमेशा जो अवेलेबल रहता है वो है नेगासेंट पाउडर, ये होता है एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल पाउडर। आपके डॉग को कभी भी रैशेज हो रहे हैं, कीड़े पड़ने वाले हैं या कीड़े पड़ चुके हैं जो वॉर्म्स होते हैं व्हाइट व्हाइट कलर के, सो आप ये नेगासेंट पाउडर यूज करें विद इन 1-3 days वो वहां से बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। बट ये एक घर की थोड़ी सी रेमेडी है इंस्टेंट देने वाली, जिसको हम कह देंगे फर्स्ट एड, मेनली आपको डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा अपने डॉग को। सो यार ये मेरे पास है आई ड्रॉप्स, ये मैंने अपने हैरी के लिए ली हुई है, ये हैरी जैसे 7-8 years का हो गया तो इसकी इसको व्हाइट जिसको कह देते हैं चिट्टा मोती है इसकी आईज के आगे, सो ये उसके लिए है ड्रॉप जो मैं इसके लिए यूज करता हूँ, और मैं जफर को भी कभी कभी डाल देता हूँ दूसरे वाली जो नॉर्मल ड्रॉप्स है जिससे उसकी आईज हेल्दी रहती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जफर के लिए उसका सजने सवरने का सामान भी लिया हुआ है, भाई ये काटने फाटने वाला नहीं है कहीं तुम लोग सोचो, ये उसके नेल्स कटिंग के लिए, उसके नेल्स काफी बड़े बड़े हो जाते हैं फर्श पे, जो पक्के फर्श पे रहते हैं कुत्ते उनके तो घिसते रहते हैं, जो फर्श पे रहते हैं उनके घिसते नहीं, उनके मुड़ने लग जाते हैं बड़े होके। सो ये नेल कटर है और ये बाल में उसको नेल्स को सही करने के लिए वो करती है ना अपने वो लड़कियां, सो ये वो वाला चक्कर पूरी फील देते हैं अपने भाई को। और इधर मेरे पास यार पड़े हैं ये 2 अलग अलग थर्मामीटर, जब भी इनको बुखार होता है तो मैं पहले तो घर पे चेक कर रहता हूँ बुखार है या नहीं है, 1 is for Harry, 1 is for Zafar, दोनों के लिए मैंने अलग अलग रख रखा है, दोनों की अपनी अपनी हाइजीन है। मैं क्या करता हूँ मैं बॉयल्ड एग्स भी बाहर से लेकर आता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया हमारे घर में नहीं खाते, सो फिलहाल मेरे पास बॉयल्ड एग्स नहीं है क्योंकि मुझे वीडियो अंदर घर पे बनानी थी, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे इसे बनाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पड़ा है एक मिल्क का पूरा गिलास, अराउंड ये 300 ml होगा ही होगा, ठीक है। सो मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर मैं कोई अंदाजा नहीं रखता अभी इतना ही खिलाना है पर्टिकुलरली, कुछ मैंने जस्ट हिसाब बना रखा है थोड़ा सा।
फीड आप लोगों को दिखाने के लिए। सो भाई मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा लोगों को पास से दिखाओ। यहाँ पे मैंने फीड डाल दिया थोड़ा अंदाजे से, चार एक मुट्ठी होती है ये फीड, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ हैरी को खिला के। भाई साहब शौक से खाते हैं दोनों, ये देखो इन्होंने तो ऐसी कर देना ऐसा। सो मैं सब्स्टिट्यूट के हिसाब से यूज करता रहता हूँ, कभी मैं मिल्क यूज करता हूँ, कभी मैं कर्ड यूज करता हूँ। मोस्टली मेरा क्या होता है कि मैं सुबह के टाइम कर्ड डालता हूँ जफर को फीड के साथ, और रात को मैं दूध डालता हूँ। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे मिल्क पड़ा है, ये मैं मिल्क लेकर इसमें डालता हूँ। मैं दिखाऊंगा सारे को, भाइयों दिखाओ एक बार। देखो कैसे वेट कर रहे हैं इस टाइम, इसका फीड का बाउल ये पड़ा है। भाई आजा 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 आजा। सो यार यहाँ पे जफर ने सारे के सारे देखो फीड का बाउल फिनिश कर दिया है, और मतलब इसको अपने फीड बहुत पसंद है। और मैं आपको एक बात कहूंगा कि जब भी आप अपने डॉग को रोटी खिला रहे हो तो जरूर उसको ऐसे हाथ वगैरह लगाते रहो, बाउल छेड़ते रहो, वरना इन फ्यूचर डॉग एग्रेसिव हो जाता है। और जब आप रोटी खा रहा होता है वो और आप उसका बाउल छेड़ते हो तो आपको काट भी सकता है। सो इसको हल्का सा ऐसे करते रहो, पैम्पर करते रहो, बाउल छेड़ लो इसका, कुछ करो, दैट विल बी क्वाइट फाइन। और वो डॉग की भी एक नेचर ऐसी नहीं बनेगी एग्रेसिव खाना खाते हुए। सो फिलहाल ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, उसने साफ कर दिया वो। सो फिलहाल इसने अपना बहुत साफ कर दिया और ये बड़े खुशी से इसको खाता है। सो मैं आपको ये कह रहा था, इसी के अंदर मैं एक टाइम में 3 से 4 बॉइल्ड एग्स डाल देता हूँ और ये खा लेता है। जो ये मैंने आपको बताया चिकन जर्की का पाउच, ये मैं बहुत रेयर यूज करता हूँ। और मैं आपको भी कहूंगा कि अगर आप अपने डॉग को वेजिटेरियन रख सकते हैं तो जैसी बात नहीं है, हाँ आप एग्स डाल सकते हैं ताकि उसको थोड़ा हेल्दी ट्रीट्स मिल सके, प्रोटीन फैट्स कार्ब्स सही मिल सके। और पेडिग्री का पपी लार्ज ब्रीड इज अ बेटर ऑप्शन एंड रॉयल कैनन, ये दो ही फीड मेरे हिसाब से बहुत अच्छी होती हैं। सो यार अब आ गया जफर मेरे पास, इसको यही शायद कुछ और भी मिलेगा ट्रीट का। सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको ये ट्रीट में दूँ फिलहाल अभी, जो इसकी चिकन चंक्स की फ्लेवर स्पेशल ग्रेवी है। बट मैं आपको बता दूंगी मैं इसका फूड का टेस्ट चेंज करता रहता हूँ। सुबह मैं इसको इसी बाउल में कर्ड डालता हूँ, और रात को मैं इसमें दूध डालता हूँ, और दोपहर को हम इसको कर्ड, लस्सी या एक दो रोटी दे देते हैं ताकि इसका पेट भरा रहे। कई लोग हैं, कई ब्रीडर्स भी कहते हैं कि सुबह और रात को फीड दो, कई महानुभाव हैं जो सिर्फ रात को देते हैं। सो यार अपने को जैसे भूख लगती है तो वैसे इनको भी लगती है, सो तीनों टाइम इनको भी देनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा इसका मुझे डाइट कंट्रोल करके लगाना पड़ता है क्योंकि ये कद्दू मोटा हो जाता है, ठीक है। सो अभी फिलहाल मैं देना ये डालता हूँ इसको और ये इंजॉय करेगा। सो ये थी यार आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है सो यार एक लाइक कर देना, और अगर आपको अपने जफर जी बढ़िया लगे हैं, इसका बाउल हटाना पड़ेगा वरना ये वीडियो के अंदर नहीं दिखेगा। जफर वो देख सामने। सो क्या होता है, अगर ये आपको बढ़िया लगा आजा भाई मेरे, आजा 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 आजा। सो अगर ये आपको बढ़िया लगा है सो इसके लिए कमेंट करो मेरे जफर के लिए। और ये था सारा इसका रूटीन डाइट का। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे दिन की रूटीन देखें जफर की, कि पूरा दिन क्या करता है मेरे साथ और क्या हम उधम चाहते हैं, मजे करते हैं, सो कमेंट करके बताएं कि ये व्लॉग आए या ना आए। और ऐसे व्लॉग्स लाता रहूंगा, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा, जैसे कि मैंने कहा कि मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। सो ये देखो इस टाइम इसको पूरा मजेदार लगी है ट्रीट। सो आई होप यार ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आप लोगों को, अगर लगा है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो क्योंकि आप लोगों ने कहा था व्लॉग बनाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।